बल्लक में है जो 26 शिक्षक के पद है, 26 शिक्षक के पद में से 13 पद जो है खाली चल रहे हैं और 13 पद जो है और वो भरे हुए हैं। और यहाँ पर टोटल जो है 160 बच्चे हैं, जिनमें से जो 25 बच्चे स्कूल छोड़कर चले गए हैं। हमारे स्कूल में 9 पद है, जिसमें से एक टीचर है, और हमारे स्कूल में कोई भी टीचर नहीं है। जो हमारे पीरियड है वो सारे खाली जा रहे हैं और हमारी पढ़ाई में जो है दिक्कत आ रही है। इस हम पढ़ाई से जो है बिछड़ते जा रहे हैं, और जो हमारे सहपाठी है वो स्कूल छोड़कर चले गए हैं, क्योंकि हमारे स्कूल में जो अध्यापक है उनकी कमी है। और हमारे जो पेरेंट्स है वो भी हमें मोटिवेट कर रहे हैं कि आप भी कहीं चले जाओ, पर जो हमारा जो स्कूल है वो बहुत 15-16 किलोमीटर दूर है, तो इसलिए हम जा नहीं सकते। और हमारे पेरेंट्स जो है वो इतना खर्चा नहीं कर सकते। तो डेविड है, मैं कुमार सिंह सेकेंडरी स्कूल बल्लक से प्लस टू क्लास का छात्र हूँ। हमारे स्कूल में 8 के 5 सब्जेक्ट है, जिनमें से 4 खाली है और एक ही टीचर है वो फिजिकल के। हमारे स्कूल में से प्लस वन को 27 स्टूडेंट्स थे, जिनमें से अब 19 बचे और बाकी स्कूल छोड़कर चले गए हैं। और अगर ऐसी स्थिति रही तो हमें भी स्कूल छोड़कर जाना पड़ेगा। पूर्व में जो व्यवस्थाएं कांग्रेस पार्टी ने की थी, जिसमें शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश को पहला स्थान मिलता था, वास्तविकता में आज ये हालत प्रदेश में हो गई है स्कूलों की के प्लस टू स्कूल में मात्र एक टीचर के सारे स्कूल चल रहा है, जिसमें 8-9 पोस्टें टीचर्स की हैं वहाँ एक है। हैरानी इस बात की है कि वर्तमान सरकार के प्रतिनिधि मुख्यमंत्री का जरा भी ख्याल इस तरफ नहीं है।